नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के दैनिक मामलों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये हैं कि अब एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऐसे में बैठक को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। मीडिया में ये बात सामने आ रही है कि मतदान के बचे हुए चरणों को एक ही चरण में करवाने की योजना चल रही है, इसलिए चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। अब चुनाव आयोग ने इस अफवाह को एक सिरे से नकार दिया है। आयोग ने साफ किया है कि आगामी 4 चरणों के चुनाव एक ही साथ कराने की कोई प्लानिंग नहीं है, यानी चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। कोरोना की चिंताजनक दूसरी लहर के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है। इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान चुनाव आयोग सभी दलों से चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना वायरस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए कह सकता है। बैठक में वर्चुअल चुनाव प्रचार पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में अभी तक 4 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। पहले चरण के लिए राज्य की 30 जिलों की विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को, तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को और चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले गए थे। अब पांचवें चरण के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार भी थम गया। इसके बाद 6वें चरण के लिए 22 अप्रैल को, 7वें चरण के लिए 26 और 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।